एक्सी स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि शिक्षकों के लिए दीक्षा पोर्टल पर नए नए प्रशिक्षण आते रहते हैं, जिन्हें करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसी क्रम में जो निष्ठा की हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, जो कि जनवरी में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत सारे जिलों में हो चुकी है, तो अब उसी की ऑनलाइन ट्रेनिंग का कार्यक्रम जारी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको नहीं कर पाए थे, तो अब ये कार्यक्रम सभी के लिए जारी किया गया है, जो पहले से ट्रेनिंग ले चुके हैं उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए भी। तो ये निष्ठा की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो कि अक्टूबर से प्रस्तावित है। ये सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको पूर्ण करने पर आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उसके लिए आपको अंक भी प्रदान किए जाएंगे। तो क्या है ये कार्यक्रम और कैसे किया जाएगा ये प्रशिक्षण पूर्ण, आज की वीडियो में जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे अन्य आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो आदेश, सेवा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 1 अक्टूबर 2020 को ये जारी किया गया है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश। तो ये देखिए, ये जो लेटर है ये बताता है कि जो समग्र शिक्षा की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है 2020-21 में, उससे निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों का NCERT द्वारा विकसित शिक्षक प्रशिक्षक मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो माह अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से आयोजित किया जाना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधनों तक शिक्षक की पहुंच प्रदान करना, बच्चों के लर्निंग आउटकम में वृद्धि करना, शिक्षक और प्रधानाध्यापक को स्कूली शिक्षा में नई पहल से परिचित कराना, स्वस्थ एवं सुरक्षित स्कूल वातावरण का विकास करना, सीखने की दक्षताओं के विकास पर केंद्रित तनाव मुक्त विद्यालय आधारित मूल्यांकन का विकास करना, शिक्षण में द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, शिक्षक को शिक्षण कार्य में ICT के प्रयोग हेतु प्रेरित करना, बच्चों की अंकीय एवं भाषाई कुशलता में सुधार लाना। तो ये प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन दिया जाएगा। और इसके लिए जो कोर्स का लिंक है, वो निष्ठा का जो ब्लॉग टेलीग्राम ग्रुप है, उसके माध्यम से सभी प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को भेजा जाएगा। जिन जिलों में या ब्लॉकों में पहले से ये प्रोग्राम्स हो चुका है, वहाँ आप सभी परिचित होंगे कि इसको कराने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप का निर्माण किया गया था। उसी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको इस ट्रेनिंग का जो ऑनलाइन लिंक है वो भेजा जाएगा, और जैसे ही इसका लिंक दीक्षा पोर्टल पर लाइव हो जाएगा, तो अगले दिन तक समस्त प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों तक आधिकारिक रूप से सूचना पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएगा। जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के, वो इसका कैलेंडर निर्धारित करेंगे और सभी शिक्षकों को इसके बारे में सूचित करेंगे। जो डाइट फैकल्टी हैं और ARP, KRP, SRP, प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, इन सभी को ये कोर्स पूरा करना है, जिसमें कि 18 मॉड्यूल हैं और ये सभी के लिए करने अनिवार्य हैं। चाहे फिर वो डाइट की फैकल्टी हैं, ARP, KRP, SRG, प्रधान अध्यापक, आप देख सकते हैं ये सभी के लिए अनिवार्य है। अब इसमें प्राचार्य जो हैं डाइट के, उनके क्या कार्य और उत्तरदायित्व हैं? तो वो एक कोऑर्डिनेटर और 2 डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन को नामित करेंगे। डाइट प्राचार्य शिक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी परीक्षाओं हेतु एक 10 सदस्य अकेडमिक टीम का गठन करेंगे। अकेडमिक टीम के सदस्यों का चयन जनपद के KRP और डाइट प्रवक्ता से किया जाएगा।
और उनको उनकी योग्यता के अनुसार ही निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल आवंटित किए जाएंगे। जैसे कि पहले भी जो केआरपी थे वो 4 या 5 होते थे, तो और उन्होंने एक एक मॉड्यूल को आपस में बांट लिया था, ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन मॉड्यूल भी इसी प्रकार से उनको आवंटित किए जाएंगे जो कि पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा जो डाइट प्राचार्य हैं वो समस्त शिक्षकों का निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे और उसकी जो कोर्स की प्रगति है और जो गतिविधियां हैं उनसे SCERT को अवगत कराएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के क्या कार्य हैं इसमें, वो भी ब्लॉक संसाधन केंद्रों में 1 निष्ठा कोऑर्डिनेटर और 2 टेक्निकल एडमिन को नामित करेंगे और इसकी सूचना डाइट प्राचार्य को देंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्रधान अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक हैं वो दीक्षा ऐप पर उनका जो पंजीकरण है वो सुनिश्चित कराएंगे और सभी को ये कोर्स करना जो ऑनलाइन निष्ठा का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें 18 कोर्स हैं ये सभी को पूर्ण करने हेतु निर्देशित करेंगे। और जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो इसकी जो प्रगति है उसका अनुश्रवण करेंगे। अब बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य और उत्तरदायित्व की, तो वो अपने ब्लॉक के पदेन निष्ठा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होंगे और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी प्रधान अध्यापक AT शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं वो इस कोर्स को कंप्लीट कर लें। ब्लॉक के समस्त प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल कोर्स का लिंक प्रशिक्षण प्रारंभ तिथि से 1 दिन पूर्व तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। जो निष्ठा के ब्लॉक टेक्निकल एडमिन है और ब्लॉक में निष्ठा प्रशिक्षण हेतु नामित एकेडमिक टीम के सदस्य हैं जो कि KRP या SRP हैं उनकी अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं की व्यवस्था करेंगे और ये कौन करेंगे, ये खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड में जो भी कोर्स किया जा रहा है उसकी प्रगति का अनुश्रवण करेंगे। तो इस तरह से ये कोर्स सबको कंप्लीट करना है। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, एक तो ये 18 ई मॉड्यूल हैं जो कि NCERT द्वारा विकसित किए गए हैं और इनको दीक्षा पोर्टल पर एक कोर्स के रूप में राज्य द्वारा अपलोड किया जाएगा। जब ये निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तो एक ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। शिक्षक द्वारा अपना नामांकन किया जाएगा और निर्धारित समय अवधि में कोर्स को पूरा किया जाएगा। कुल 18 कोर्स होंगे और एक कोर्स को पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय देना होगा। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आप कुल 18 कोर्स हैं और जब आप एक कोर्स को पूरा कर लोगे तो उसके बाद आपका एक ऑनलाइन मूल्यांकन होगा जिसमें आपको निर्धारित अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। 1 माह में 6 कोर्स अपलोड किए जाएंगे तो कुल 18 कोर्स आपको 3 माह की अवधि में पूर्ण करने होंगे। इसके बाद इस कोर्स का प्रमाण पत्र भी शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। सभी 18 मॉड्यूल को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर निष्ठा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। यानी कि उस कोर्स से रिलेटेड, जैसे आपने 18 कोर्स हैं एक कोर्स कर दिया तो उसका भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा और जब आपके पूरे के पूरे 18 कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको निष्ठा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपके लिए ये नामित किए जाएंगे डाइट प्राचार्य की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, BSA की तरफ से ब्लॉक लेवल पर। आपको जो मतलब वहाँ पर एक कमेटी गठित की जाएगी, उनसे आप अपनी जो भी आपकी समस्याएँ हैं इस कोर्स से संबंधित उनको डिस्कस कर सकते हैं और इसके लिए एक UP निष्ठा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन द्वारा जनपद के प्रत्येक विकास खंड से टेक्निकल एडमिन, ब्लॉक निष्ठा कोऑर्डिनेटर और जनपद के समस्त KRP एवं SRP का एक डिस्ट्रिक्ट निष्ठा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा और ब्लॉक टेक्निकल एडमिन द्वारा ब्लॉक के समस्त शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के लिए ऐसा ही एक ग्रुप बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो कोर्स है ये सभी को कम्प्लीट करना अनिवार्य है। ये थी इससे संबंधित मेन जानकारी जो आपके लिए जाननी आवश्यक थी और ये कोर्स शुरू हो रहा है अक्टूबर के 2nd वीक से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे संबंधित जो जानकारी थी वो प्राप्त हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कर दें। धन्यवाद।